अगला चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? ये टर्म सिंपली इट मीन्स दैट बीइंग हेल्दी और हैविंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, विच फंक्शन नॉर्मली, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। WHO के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर दे आर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव वेल बीइंग, अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ओवर पॉपुलेशन का। हमारे देश का जो मेन चैलेंज है वो है ओवर पॉपुलेशन, एंड इसके लिए 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे सरकार द्वारा, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। और एक और स्कीम आई थी, दैट इज़ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। दिस वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश देन सो दैट द पीपल आर हेल्दी, बिकॉज इफ देर आर नंबर ऑफ मोर चिल्ड्रन इन द फैमिली, द चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न आर जनरली वीक, ओके, मेंटली एज वेल एज फिजिकली दोज चिल्ड्रन आर सपोज टू बी वीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मदर हु इज गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम्स अनहेल्दी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई ओवर पॉपुलेशन वॉज टू बी स्टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। बाकी तो ओवर पॉपुलेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देश में, बट इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। सेकेंड वन इज सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन क्या है कि सेक्स रिलेटेड एजुकेशन इज टू बी इंट्रोड्यूस एंड एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ओके, दैट इज द चिल्ड्रन मस्ट बी थॉट वॉट इज द राइट पर्सपेक्टिव एंड वॉट इज द रॉन्ग पर्सपेक्टिव अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, ओनली देन दे विल बी एबल टू डील विद देम इन अ वेरी सेंसफुल मैनर। देन कम्स द STDs एंड देयर अवेयरनेस। नाउ STDs मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, STIs भी कहा जाता है। यू कैन इवन राइट दम एज STIs, इट इज़ रिटन इन योर टेक्स्ट। ओके, एंड देयर अवेयरनेस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू नो हाउ दे आर कॉज्ड, हाउ दे अकर एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट देम, नेचुरली द पब्लिक और द पीपल विल बी एबल टू कीप देम सेफ फ्रॉम, कीप देम सेल्फ सेफ फ्रॉम सच डिजीज। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। नाउ द फर्टाइल कपल्स एंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल should be aware about the birth control devices, care of the pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, okay, importance of breastfeeding and equal importance of the male and the female child, that these all aspects have to be taken into consideration. Prevention of sex abuse and sex related crime, ye ek aur problem hai. There are many, many people in our society, they seem to look healthy, but actually they are mentally sick because they take things, especially the sex-related concepts, in a very wrong manner. या तो उनको proper शिक्षा नहीं मिलती या उनके अंदर hormonal disturbances होते हैं, इसीलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते और यहीं पर पैदा होती हैं social evils. Okay, sex abuses. एंड इवन क्राइम, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। सो इन चीज़ों से पॉपुलेशन को, पब्लिक को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अमीनोसेंटेसिस। अब अमीनोसेंटेसिस इज अ वेरी वेरी साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट टेक्निक विच वॉज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, फीटल सेक्स, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द अमीनोलिटिक फ्लूइड। इसमें से फ्लूइड को सिरिंज से सक करके निकाला जाता है और उस फ्लूइड को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अगर उस फ्लूइड में सेल्स मिलते हैं इस तरीके से, ओके, अगर उसमें सेल्स मिलते हैं इस तरीके से, हमें माइक्रोस्कोप में ये सेल दिख रहा है और इसका ये न्यूक्लियस भी दिखता है, और उस न्यूक्लियस के ऊपर अगर एक पैच दिखता है किसी कोने में, ठीक है, बाकी क्रोमोसोम्स तो हैं यहाँ पे,
बट एक पैच दिखता है, तो ये पैच जो है एक बार बॉडी कहलाता है, BARR. दिस इज अ बार बॉडी एंड प्रेजेंस ऑफ द बार बॉडी इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. मतलब उस इंसान में, उस फीटस में 44 प्लस XX कंडीशन माना जाता है. 44 प्लस एक्स तो नॉर्मली होता ही है. अगर एक्स के साथ वाई होगा तो मेल हो जाएगा, अगर दो बार एक्स होता है तो फीमेल होती है. तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा एक्स है वो एक बार बॉडी के फॉर्म में यहाँ पर अटैच्ड होता है, ये नज़र आता है. इससे ये डिटरमाइन हो जाता है कि दिस इज अ फीमेल फीटल. ओके, इट्स अ फीमेल चाइल्ड विच इज ग्रोइंग. सो ओके, ये एक टेक्निक रही हमेशा से, बट दिस टेक्निक हैज़ बीन मिसयूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस एंड हेंस अमीनोसिंथेसिस हैज़ बिकम बैन इन आर कंट्री. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर अमीनोसिंथेसिस हैज़ बीन बैन इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, व्हाई इट इज बैन इज बीन आस्क्ड जनरली, सो यू कैन राइट अबाउट दिस. द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वॉट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन. फोर्थ वन इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स. सॉरी, दैट इज द फिफ्थ वन. सिक्स्थ वन इज अमीनोसिंथेसिस. ओके, एंड दीज ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी डिस्कस्ड इन योर आंसर शीट वेन यू राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दैट्स ऑल फॉर द डे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट.